किसी भी सरकार में अगर ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है तो इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ जनता का है। बात भ्रष्टाचार की होती है, भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। किसी भी सरकार की कार्रवाई हो, किसी भी सरकार में कार्रवाई हो, किसी भी नेता पर कार्रवाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि आम जनता को उनका हक मिलना चाहिए। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पिछले 10 सालों में सीबीआई और ईडी का शिकंजा कई नेताओं पर कसा गया है। बात यहाँ बीजेपी की नहीं करूंगी और बात यहाँ विपक्षी दलों की नहीं करूंगी, बात यहाँ करूंगी आम जनता की। देखिए, चाहे किसी भी सरकार में, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे वो अभी एनडीए की सरकार हो, किसी भी सरकार में अगर ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है तो इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ जनता का है, क्योंकि जो काला धन इन लोगों के पास मिलता है वो आम जनता का होता है। आम जनता टैक्स देती है और उसी का पैसा ये कब्जा लेते हैं, अपने पास रखते हैं। आज बात इसलिए ईडी और सीबीआई की क्योंकि आज हमने देखा है कि अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि चारों तरफ हम देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई शिकंजा कसने में लगी हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोकसभा चुनाव की भी तस्वीर है और दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई का भी शिकंजा है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल इसे इस तौर से ले रहा है कि विपक्षी लोगों पर जानबूझकर कार्रवाई हो रही है क्योंकि सरकार जानती है कि वो हारने जा रही है, सरकार को डर है कि कहीं उनकी सीटें ना गायब कर दें हम लोग, इसी वजह से हमारे बड़े नेताओं पर हाथ डालने की कोशिश यहाँ पर ईडी और सीबीआई कर रही है और करवा रही है केंद्र सरकार। देखिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी, चाहे वो बीजेपी नेता पर शिकंजा कस रहा हो, चाहे वो कांग्रेस नेता पर शिकंजा कस रहा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी नेता पर, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता पर, या फिर वो आरजेडी जेडीयू किसी भी नेता पर अगर शिकंजा कस रहा है तो इसमें आम जनता को इसलिए सोचना है क्योंकि आम जनता की भलाई है। बात भ्रष्टाचार की होती है, भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। किसी भी सरकार की कार्रवाई हो, किसी भी सरकार में कार्रवाई हो, किसी भी नेता पर कार्रवाई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस पर राजनीति हमेशा से ही होती रही है और हमेशा से ही हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी दल जो है वो सड़कों पर भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 10 सालों की हम बात करें तो भाजपा जब 2014 में सत्ता में आई थी, यानी कि एनडीए सरकार का गठन हुआ था, तब ये कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और आज वो तस्वीर कहीं ना कहीं नजर आ रही है बड़े पैमाने पर। चाहे आप झारखंड की बात कर लें, चाहे आप बिहार की बात कर लें, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें, चाहे आप दिल्ली की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, और आज चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, बड़े पैमाने पर इतना कैश बरामद हो रहा है कि मशीनें कहीं ना कहीं, देखिए इंसान तो बहुत दूर की बात है, मशीनें थक गई हैं कैश गिनते गिनते। आपको याद होगा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जिनके यहां से बड़े पैमाने पर कैश मिला, उसके बाद अगर देखा जाए तो आज उत्तराखंड में हरक सिंह रावत जो कि एक बार कांग्रेस के नेता रहे, फिर भाजपा में शामिल हो गए, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए, बड़े पैमाने पर यहाँ पर ईडी की छापेमारी की जा रही है और जानकारी तो ऐसी भी मिल रही है कि करोड़ों का घोटाला यहाँ पर उन्होंने किया है। हालांकि उन पर आरोप हमेशा से ही लगते रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में भी शराब घोटाले के तहत ईडी की छापेमारी लगातार जारी है, ईडी का समन लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है, लेकिन वहां से किसी तरह का कोई भी यहाँ पर रिप्लाई तो आ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जा नहीं रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी हमें बता दे कि हमें किस तरह आरोपी के तौर पर हम पेश हो या गवाह के तौर पर पेश हो, हमें बताइए, फिर हम सामने आने के लिए तैयार हैं। तो उन पर भी आरोप लग रहा है कि करोड़ों का गबन वहां भी हुआ है। अभी हाल ही में बड़ी घटना जो है वो देश में घटी 31 जनवरी को, जब झारखंड के सीएम उस वक्त हेमंत सोरेन को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी हुई, नई सरकार का गठन हुआ, फ्लोर टेस्ट में नई सरकार पास भी हो गई। लेकिन सवाल फिर जस का तस है कि जिन नेताओं पर इतना विश्वास करके आम जनता उन्हें एक गद्दी देती है और एक फ्री हैंड देती है कि आपके हाथ में
हमारा सब कुछ है, आप जैसे चाहें वैसे प्रदेश को चलाएं ताकि हमें सुविधा हो, आम जनता को सुविधा मिले। और उन पर आंख बंद करके भरोसा होता है कि हाँ, हमने एक ऐसे शख्स को चुना है जो हमारी शिकायतें भी सुनेगा, हमारी मूलभूत सुविधाओं को भी देखेगा और हमें कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर विकास की गति पर हम आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसे नेताओं की, ऐसे मुख्यमंत्रियों की ही गिरफ्तारी होगी तो फिर आप विश्वास किस पर करिए? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ईडी और सीबीआई पर तो आप सवाल उठा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि पैसा तो उन्हीं लोगों के पास से मिल रहा है ना। आप दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, सीबीआई ने, ईडी ने छापेमारी की, कुछ मिला नहीं, कुछ मिल रहा है तभी तो कार्रवाई हो रही है। यूपीए सरकार में चाहे हुई हो, अभी तो एनडीए सरकार में हुई है, यूपी सरकार में क्या कार्रवाई नहीं हुई, क्या छापेमारी नहीं हुई? लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए यहां ये हो जाता है कि अगर कोई चोर है तो चोर को नहीं पकड़ेगा ना, तो यहां पर खेल चोर और पुलिस का हो जाता है। चोर और पुलिस होंगे तभी कुछ काम हो पाएगा, अगर चोर चोर होंगे तो भी काम नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसा ही होता रहा है, कुछ मामलों में अभी भी हुआ है। विपक्षी गठबंधन कहते हैं कि जो बीजेपी में शामिल हो जाए वो दूध का धुला हो जाता है, तो किसी ने रोका थोड़ी ना है। अगर वहां पर कंप्लेन मिलेगी, शिकायतें मिलेगी, तो उन पर भी एक्शन होगा, ऐसे तो नहीं है कि एक्शन नहीं होगा। मसलन बात बस इतनी है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए देश से, क्योंकि ये आम जनता का पैसा है, हम जैसे लोगों का पैसा है, जो हमारे देश के आम नागरिक है उनका पैसा है, जिनका जो अपना पेट काट कर अपनी तमाम चीज़ें, अपनी ज़रूरतों को मार कर टैक्स पे करते हैं। और किसी भी तरीके से किसी योजना का भी पैसा हो सकता है, किसी परियोजना का पैसा हो सकता है जिससे सुविधाएं लोगों को मिल सकती थी, योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकता था, लेकिन वो आप लोग, कुछ ऐसे नेता हैं जिन पर आरोप लगते हैं, वो डकार जाते हैं करोड़ों रुपए। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आम जनता का पैसे पर आप नजर डाल रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उन्हें डकार जा रहे हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि किसी भी सरकार में किसी भी नेता पर अगर शिकंजा कसा है, अगर वो भ्रष्टाचारी है, तो उस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले सालों में ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जल्दी से कुछ नाम भी आपको बता देती हूँ। शिवसेना नेता संजय राउत, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना के नेता संजय राउत को मुंबई में 1 अगस्त 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन पर मुंबई के गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर के एक चौल में 672 फ्लैटों के पुनर्निर्माण के मामले में जमीन के हेर फेर का आरोप लगाया था। करीब 3 महीने बाद उन्हें 10 नवंबर 2022 को सशर्त जमानत दी गई थी। तब संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ना गिराने पर जांच एजेंसियों ने उन्हें परेशान किया। इससे पहले ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया। उस समय वो महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री थे। महाराष्ट्र सरकार के एक अन्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को भी ईडी ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर शिवसेना से अलग हो गए, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और कहीं ना कहीं बीते सितंबर में की गई अपनी पड़ताल में पाया कि एनसीपी के 11 और शिवसेना के 8 नेताओं पर जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। तो आप समझ सकते हैं कि बचेगा कोई नहीं। हिमंत बिस्वा सरमा, इस समय हिमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो पहले असम में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थे। शारदा चिटफंड बड़ा घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ईडी ने जांच शुरू की और इस सिलसिले में उनके घर पर छापे भी किए और पूछताछ भी की। बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, पार्टी ने उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के 2 करीबी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय पर भी सीबीआई ईडी ने शिकंजा कसा। लेकिन देखिए, असम की अगर हम बात करें तो वहां अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो उन पर एक्शन होना चाहिए था। यहां कहीं ना कहीं सवाल उठ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले दोनों ही नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बाद में मुकुल रॉय टीएमसी में लौट आए। तो टीएमसी के 19 नेताओं पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब बिहार पर आ जाइए, बिहार में तो ये चलता ही रहता है। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई, लालू यादव से पूछताछ की गई, राबड़ी देवी से पूछताछ की गई। तो पिछले साल अगस्त में बिहार में 30 सरकार के फ्लोर टेस्ट के बीच कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरजेडी नेताओं के घर सीबीआई की छापेमारी हुई। सीबीआई ने जिन आरजेडी नेताओं के घर पर छापेमारी की, उनमें लालू यादव के करीबी माने जाने वाले और एमएलसी सुनील सिंह, सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय भी शामिल थे।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पहले ही चारा घोटाला समेत कई मामलों में सजा हो चुकी है। आरजेडी के 5 नेता ईडी और सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री का जिक्र किया मैंने। हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा इतना बड़ा कसा कि अब उन्हें आगे कस्टडी उनकी बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फरवरी 2022 में आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री और खनन मंत्री रहते हुए अपने पद का कथित तौर पर दुरुपयोग किया और राज्यपाल रमेश बैस ने शिकायत की प्रति चुनाव आयोग को भेजी थी और आयोग ने हेमंत सोरेन पर अपना फैसला एक लिफाफे में बंद कर राज्यपाल को भेजा था जो सार्वजनिक हुआ और अब पूछताछ होती रही, समन भेजे गए, अस्थिरता की नौबत आ गई और 31 जनवरी 2024 ऐसा दिन आया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई। कांग्रेस के भी कई नेताओं पर छापेमारी की जा चुकी है। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन 24 से 26 फरवरी को पिछले साल मनाया गया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेस नेताओं के यहाँ ईडी के छापे पड़े। 20 फरवरी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की बात करी, 2023 की मैं बात कर रही हूँ जो छापेमारी हुई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय समेत आधा दर्जन कांग्रेस नेताओं के घर दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अधिवेशन को रोकने के लिए सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर लगातार जांच एजेंसियों का दबाव बना रहा। महादेव ऐप किसे छिपा नहीं है जिसकी वजह से सरकार तक गिर गई। बीते दिसंबर में भूपेश बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। 2022 की बात है। जून 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। बीते सितंबर तक जांच एजेंसियों के घेरे में कांग्रेस के 24 नेता थे। आपको बता दें कि डीएमके के 6, बीजू जनता दल के 6, समाजवादी पार्टी के 5, बसपा के 5, आम आदमी पार्टी के 3, YSRCP के 3, INLD के 3, CPM के 2, PDP के 2 और TRS, AIS, DMK, MNS के एक एक नेता के खिलाफ जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। जमीन घोटाले फॉरेस्ट लैंड पर निर्माण के मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता और वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड में 16 जगहों पर ईडी ने एक साथ बुधवार को छापेमारी की है। तो अभी भी ये छापेमारी लगातार जारी है। अब जो विपक्ष आरोप लगाता है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तभी छापेमारी होती है, तो आपको मैंने बता दिया कि 2021, 2022, 2023 में छापेमारी हुई है जो अब 2024 में भी जारी है। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि आम जनता को उनका हक मिलना चाहिए। आम जनता को ये पता होना चाहिए कि अगर ये छापेमारी हो रही है, ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, इसका मतलब भ्रष्टाचार को धीरे धीरे करके खत्म करने की कोशिश हो रही है और लोगों के सामने रखा जा रहा है कि जिस पर आप विश्वास करते हैं वो आपके लिए कितने घातक हो सकते हैं। उनका उस पद पर बने रहना सही नहीं है, उनके लिए भी, देश के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। भारत टाइम में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।